Hello everyone, so welcome to Vet It's You YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. So in this video, we will continue our discussion with the topic urinalysis. So now we will discuss about the microscopic examinations for the urine sample. So simply, the microscopic examination is usually performed on the urine sediments that obtained by the centrifugation of the urine. The fluid at the top of the tube is then discarded and the drops of the fluid remaining at the bottom are examined under a microscope. The cells, crystals and the other substances are counted and reported either as a number observed per low field LPF or per high power field. In addition, some entities if present are estimated as few, moderate or many, such as epithelial cells, bacteria and crystals. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the microscopic examination on the urine sample, कि आप urine sample पे microscopic examinations किस तरीके से perform कर सकते हो. So simply, the microscopic examination is usually performed on the urine sample that is obtained by the centrifugation of the urine. देखो, आप जब भी किसी भी urine sample पे microscopic examinations perform करना चाहते हो, so you will perform it on the urine sediment जिसको आप centrifugation की मदद से obtain करोगे. Simply क्या है, आपने एक test tube में किसी animal का urine sample collect करा, सबसे पहले आप इसको centrifuge करोगे. After centrifugation आप देखोगे कि test tube में जो urine के अंदर particles वगैरह present थे, they will settle at the bottom of the test tube और जो भी fluid part होगा ना, that will settle at the topmost part of the test tube. एंड आपको हमेशा क्या करना है, यूरिन सेंडिमेंट्स पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है. एंड दिस इज द यूरिन सेंडिमेंट दैट इज सेटल एट द बॉटम पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन. और आप क्या करोगे, ये फ्लूड को डिस्कार्ड कर दोगे जो कि सेटल कहां पे हुआ है, एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, मूविंग ऑन, द फ्लूड एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब इज डिस्कार्डेड एंड द ड्रॉप ऑफ द फ्लूड रिमेनिंग एट द बॉटम आर एग्जामिन्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप. सिंपल, मैंने अभी बताया आपको कि जो भी आपको स्टडी करनी है कहां पे करनी है, यूरिन सेंडिमेंट्स पे. जो भी आपका फ्लूड ऊपर इकट्ठा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देना है. ठीक है, मूविंग ऑन, द सेल क्रिस्टल्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर काउंटेड एंड रिपोर्टेड आइदर एज द नंबर ऑब्जर्व्ड पर लो पावर फील्ड पर हाई पावर फील्ड. देखो, अब जब आप यूरिन सैंपल पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कंडक्ट करा रहे हो एंड यू आर स्टडिंग द यूरिन सेडिमेंट्स अंडर द माइक्रोस्कोप, तो अब आपको वहां पे क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्रिस्टल्स देखने के लिए मिल सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सम अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर यूरिन सेडिमेंट. तो आप क्या करोगे, जो भी सब्सटेंस वहां पे प्रेजेंट है उनको काउंट करोगे, उनको रिपोर्ट करोगे दो कैटेगरीज में, पर लो पावर फील्ड दैट इज LPF और पर हाई पावर फील्ड दैट इज SPF. ठीक है, मूविंग ऑन, इन एडिशन सम एंटिटीज इफ प्रेजेंट आर एस्टिमेटेड एज फ्यू, मॉडरेट और मेनी, सच एज एपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरिया एंड क्रिस्टल्स. देखो, जब आप यूरिन सेडिमेंट पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो ऑफ अ पर्टिकुलर यूरिन सैंपल, तब आपको वहां पे कुछ सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बैक्टीरियाज देखने के लिए मिल सकते हैं एंड क्रिस्टल्स देखने के लिए मिल सकते हैं. एंड यू विल क्लासीफाई द नंबर ऑफ दीज एंटिटीज एज फ्यू, मॉडरेट, मैनी. कि कुछ सेल्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट है या उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द यूरिनरी सेडिमेंट्स. कि जब आपने किसी यूरिन सैंपल की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी चाहिए तो सबसे पहले आपने क्या करा, यूरिन सैंपल कलेक्ट करा, टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करा और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो यूरिन सेडिमेंट इकट्ठा हुआ उस पे अपने माइक्रोस्कोपिक टेस्ट को परफॉर्म करा और माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कंडक्ट कराया. और यूरिन सेडिमेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द यूरिन दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, तो जब आप यूरिन सेडिमेंट की स्टडी कर रहे हो तो उस यूरिन सेडिमेंट में आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं. यू कैन फाइंड आउट द सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स, ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटिटीज. ठीक है, तो सेल की बात करो तो कौन कौन से सेल देखने के लिए मिल सकते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल्स एंड ओवल फैट बॉडीज. सेलुलर कास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, रीनल एपिथेलियल सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं. एंड ब्रॉडली नॉन सेलुलर कास्ट का अगर मैं बात करूं तो यू कैन फाइंड
हाइलाइन ग्रेनुलर वैक्सी एंड द फैटी सेल्स। ठीक है, मूविंग ऑन, क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टल्स भी दो तरीके के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, जो कि यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और जो कि यूरिन में किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट आर एबनॉर्मल क्रिस्टल्स। तो नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, अमॉर्फस यूरेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड यूरेट। और एबनॉर्मल क्रिस्टल होते हैं सिस्टीन, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ल्यूसीन, टायरोसिन एंड सल्फानामाइड। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया हो सकता है, ईस्ट सेल हो सकते हैं, टी वेजाइनेलिस, माइक्रोफिलिया, सेल्मोनेला, हिमेटोबियम्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इन द यूरिन सेंटिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूरिन सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द सस्पेक्टेड एनिमल। एंड आपको यूरिन सेंटिमेंट में स्पर्म्स भी ऑब्जर्व करने के लिए मिल सकते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द यूरिन सेंटिमेंट्स। So moving on, we will discuss about the red blood cell, that is a element of a urinary sediment. So simply a few RBCs are present in urine sediment, 0 to 5 RBCs per high power field or HPF. It can be noticed in the urinary tract infection, tumor of the urinary tract or certain infectious disease. So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेड ब्लड सेल जो कि एक एलिमेंट है यूरिनरी सेंडिमेंट का। ठीक है, सो नॉर्मली अ फ्यू आरबीसीज आर प्रेजेंट इन यूरिन सेंडिमेंट, 0 to 5 आरबीसीज आर काउंटेड अंडर द पर हाई पावर फील्ड और एचपीएफ। देखो, अगर आप किसी एनिमल का यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हो, ठीक है, फिर उसके यूरिन सेंटिमेंट पे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो, तो उसके यूरिन सेंटिमेंट में आपको कुछ आरबीसीज देखने के लिए मिल सकती हैं। यूजुअली 0 to 5 आरबीसीज हम देखते हैं अंडर द हाई पावर फील्ड और एचपीएफ। ठीक है, द आरबीसीज आर नोटिस्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज। देखो, किसी भी एनिमल के यूरिन में हमें आरबीसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में देखने के लिए मिल सकती है, ट्यूमर के केस में देखने के लिए मिल सकती है, और दैट पर्टिकुलर एनिमल माइट बी सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज दैट लेड टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन। ठीक है, सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट सेल इज द व्हाइट ब्लड सेल। सो सिंपली द नंबर ऑफ WBCs इन द यूरिन सेंटिमेंट इज नॉर्मली लो, 0 to 5 WBCs are counted per high power field or HPF. They can be seen in the inflammation or infection of the urinary tract in a suspected animal. देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next element of a urinary sediment and it is white blood cell. So simply the number of WBCs in the urine sediment is normally low. 0 to 5 WBCs are counted per high power field or HPF. देखो, urinary sediment में जो WBC का count होता है ना, वो usually बहुत कम होता है, 0 से 5 WBCs actual में देखने के लिए मिलती है under the high power field. You can see the presence of WBC in the urine sediment in a case if an animal is suffering from the inflammation or the infection of the urinary tract. किसी भी एनिमल में एबनॉर्मल अमाउंट में WBCs उसके यूरिन में तब मिलती हैं जब वो एनिमल किसी इन्फ्लामेशन से सफर कर रहा हो या तो वहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो। ठीक है, द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूरिनरी सेंडिमेंट इज द एपिथेलियल सेल्स। सो द एपिथेलियल सेल्स कैन बी ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स, रीनल एपिथेलियम सेल्स और द स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूरिनरी सेंडिमेंट एंड इट इज एपिथेलियल सेल्स। सो एपिथेलियल सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी ट्रांजिशनल, रीनल और स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूरिनरी सेंडिमेंट इज कास्ट। सो सिंपली दे आर द टाइनी ट्यूब शेप्ड पार्टिकल्स। द यूरिनरी कास्ट मे बी मेड अप ऑफ वाइट ब्लड cells, red blood cells, kidney cells or the substance such as the protein or fat. So, देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next element of the urinary sediment and वो क्या है हमारे पास? Cast. So, simply the cast are the tiny tube-shaped particle. अब देखो, जब आप किसी भी urine sample के urine sediment पे microscopic examination perform करोगे, तो वहाँ पे आपको tiny tube-shaped particles भी देखने के लिए मिल सकते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? कास्ट। द यूरिनरी कास्ट मे बी मेड अप ऑफ द WBC, RBC, किडनी सेल्स और सम अदर सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन और फैट।
अब ये जो कास्ट होते हैं ना, ये डब्ल्यूबीसी के बने हो सकते हैं, आरबीसी के बने हो सकते हैं, किडनी सेल के बने हो सकते हैं, प्रोटीन और फैट के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स ऑफ द कास्ट दैट यू मे ऑब्जर्व इन द यूरिनरी सेडिमेंट ऑफ अ सस्पेक्टेड एनिमल। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वेट इट्स यू। Thanks for the watching, an initiative by Ankit Kaushik.